इस तरह के पॉलीथीन बैग्स को आयरन करने से क्या होता है, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया, और इसके अलावा किचन से रिलेटेड और हमारे घर से रिलेटेड और क्लीनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं आज की वीडियो में। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस एस के हैक्स। तो देखते हैं सबसे पहले टिप जो है इस ट्रेनर से रिलेटेड, जो भी हमारी इस तरह की ट्रेनर्स होती हैं डेली बेसिस पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं और हम लोग वॉश भी करते हैं इसको, लेकिन अच्छे से ये इसकी क्लीनिंग नहीं होती। तो हमने इसकी डीप क्लीनिंग किस तरीके से करनी है ताकि बहुत ही अच्छे से अंदर तक क्लीन हो जाए, तो इसके लिए हमने करना क्या है, कोई भी इस तरह का रैपर ले लेना है जो कि हम लोग वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक हमने इस तरह का खाली रैपर ले लेना है, कोई भी मेडिसिन का ले सकते हैं, और इसकी क्लीनिंग इस तरीके से करनी है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, और मैंने भी इसको अभी ट्राई किया तो मैं खुद ही शॉक्ड हो गई, क्योंकि हम लोग वॉश तो इसको डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो साइड्स होती है ना, इसको हम अच्छे से इसकी क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम इसको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, तो इसके अंदर जो भी डस्ट और डर्ट वगैरह होती है ना, वो इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, तो ये देखें, आप यहाँ पे देखें कितना सारा इसके अंदर डस्ट है। और सिर्फ उस ट्रेनर की क्लीनिंग ही हम इस तरीके से नहीं कर सकते, जो भी हमारी और क्रॉकरी होती है, जो भी हमारे लाइक कह लें कि लिड्स वगैरह होते हैं किसी भी बर्तन के, तो उनकी भी हम क्लीनिंग इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वॉश तो हम कर रहे होते हैं लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग हम उनकी नहीं कर पाते। तो कोई भी मेडिसिन का रैपर आप लोग डिस्कार्ड ना किया करें, तो इस तरीके से इन चीज़ों की जो हम क्लीनिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं, और इनका डीप क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन खाली मेडिसिन के रैपर्स के और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं जो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वाली वीडियोज़ भी आप लोग ने जाके लाजमी देखनी है। तो अभी नेक्स्ट यूज़ मैं आपको इसका बताने लगी हूँ कि जो भी हमारी इस तरह की सीजर्स होती हैं ना, तो ये भी यूज़ कर करके तो इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम किस तरह से शार्प कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या है, इस तरह के कोई भी खाली रैपर्स जो होते हैं जिनको हम बेकार समझ के हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो आप लोगों ने ले लेने हैं, और इस तरह से बस सिंपली आपने बैठ के इसकी कटिंग करनी है। तो बस कुछ देर के लिए आप बैठ के इसकी इस तरह से कटिंग करते रहें, और विद इन नो टाइम आपकी सीजर्स जो भी होंगी वो इस बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएंगी। तो आपको इनको शार्प करवाने के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, सीजर चाहे जो भी हो, बड़ी वाली हो छोटी वाली हो, तो अपनी सब सीजर्स आप इस तरह से शार्प कर सकते हैं। और सिर्फ सीजर्स ही नहीं, और इसी तरीके से मैंने और भी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, जो भी हमारे जूसर ब्लेंडर्स वगैरह होते हैं, चॉपर्स होते हैं, तो उनके अंदर भी ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि वो भी डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनकी भी उनको यूज़ कर करके तो उनकी शार्पनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो उनको भी हम किस तरीके से शार्प कर सकते हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आप लोग ने जाके लाजमी से देखनी है, और मैं कोशिश करूँगी कि उनका लिंक जो मैं होगा ना वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप वो वाली भी आप लोग ने जाके लाजमी से देखनी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टिप, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो भी हमारे इस तरह के पॉलीथीन बैग्स होती हैं ना, वो हम इस तरह से स्टोर करते जाते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब और इस तरीके से हो जाते हैं कि उनको फिर यूज़ हम नहीं कर सकते। सो इसको हम किस तरह से फिर रीयूज़ कर सकते हैं ताकि बिल्कुल फ़्रेश हो जाएँ, तो उसके लिए करना क्या है, हमने इसको आयरन करना है। आप डायरेक्ट तो हम इसके ऊपर आयरन नहीं कर सकते, तो कोई भी इस तरह से कपड़ा ले लेना है आपने, मतलब कपड़ा इस तरह से वो बिल्कुल पतला वाला भी ना हो, थोड़ा सा जो है ना, आप जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, मैंने इसकी डबल लेयरिंग कर दी है। तो अगर आप चाहें तो आप टॉवल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो अपना सिंपली दुपट्टा भी ले सकते हैं, और मेक श्योर के दुपट्टे की जो है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला होता है, तो आपने जो है ना उसकी डबल लेयरिंग कर देनी है। सो सिंपली हमने करना क्या है, बस कुछ देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा हाई हमने इसको नहीं करना। तो आयरन को हमने बिल्कुल लो ही रखना है, मतलब मीडियम हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल लो भी नहीं। तो बस कुछ देर के लिए हमने इसको इस तरीके से प्रेस करते जाना है, उसके बाद जितने भी आपके पॉली बैग्स होंगे ना, जिसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे, वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इस तरह से जैसे न्यू हो जाएंगे, तो हम फिर उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हमारे काम आ सकते हैं इस तरह से, कोई भी हमने पैकिंग वगैरह करनी हो, या जो दूसरे पॉली बैग्स होते हैं ना वो हैंडल वाले, वो भी समटाइम्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं, तो उनको भी हम इस तरीके से जो है ना प्रेस करके तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी न्यू हो जाएंगे वो। तो अभी आप देखें, पहले प्रेस करने से पहले कितना ज़्यादा इसके ऊपर सिलवटें थी, और अब प्रेस करने के बाद बिल्कुल ये फ्रेश हो गया है, तो हम जिस भी पर्पज़ के लिए इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टिप, उसके लिए हमने एक कोई भी हैंगर ले लेना है। अब हैंगर तो हर घर में ही होते हैं,
और उसके बाद कोई भी सॉक्स जो हमारी फट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, या किसी का एक पेयर गुम हो जाता है तो एक हमारे पास रह जाता है, और वो एक जो है ना आपने इसका पेयर ले लेना है। तो इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, हैंगर के एक साइड पे ना इसको हमने इस तरह से लगा देना है, फिक्स कर देना है अच्छे से। तो आगे चल के मैं आपको इसका ये बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताने लगी हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लास्ट में से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। और इसी तरह से सॉक्स के और भी मैं काफ़ी सारे यूज़ेस बता चुकी हूँ कि जो भी हम इस तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं ना सॉक्स, तो उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आप लोगों ने जाके लास्ट में से देखनी है। तो अब देखते हैं हमने इसको यूज़ कहाँ पे करना है। जो भी हमारी इस तरह की कबर्ड्स वार्डरोब्स होती है ना, तो ऊपर से तो और अंदर से हम उसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी नीचे वाली साइड होती है ना, वहाँ से हम अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर पाते, और जो है ना इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो सिंपली क्योंकि झाड़ू भी अगर हम लगाएं ना, तो वो भी यहाँ नीचे तक नहीं पहुँच पाता। तो सिंपली हमने करना क्या है, ये आप देखिए हमारा छोटा सा एक लाग कह लें, हमारा एक मॉप बन गया है। तो इससे हम अपनी वार्डरोब के नीचे से बहुत ही अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट और डर्ट हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे से जो है ना ये हैंगर हमारी क्लीनिंग करेगा, क्योंकि बिल्कुल मिनी सा हमारा एक मॉप है। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर से ट्राई करना है। और सिर्फ वार्डरोब ही नहीं, और भी काफ़ी सारी हमारे फर्नीचर और चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनकी हम नीचे से अच्छे से हम डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को लास्ट में से सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।